लेकिन कांग्रेस ने इनका चेहरा बता दिया कि इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो ग्वालियर चंबल में घाटा हो गया। अब सूरत इनकी दिखाई दे और मुख्यमंत्री दादा को बना दिया और उन्हें ऐसे कुकर्म किए कि पूरा प्रदेश तबाही की तरफ चला गया। और तब सिंधिया जी ने फैसला किया कि कांग्रेस और कमलनाथ को बाय बाय, हम तो मोदी जी के साथ जाएंगे, मामा के साथ जाएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे। और एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के सिंधिया जी का स्वागत कीजिए, वो स्वागत लेके भी आए हैं हमारे लिए। ऐसे हमारे नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।